नमस्कार, मैं हूं संजय सुथार और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे गांव के बारे में जो कभी इस तपते थार मरुस्थल की प्यास बुझाने की क्षमता रखता था और आज वही गांव अपनी इसी क्षमता के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूं उस गांव की जहां के लोगों ने रेगिस्तान के बीच भी जमीन से मीठा पानी निकालकर अपने लिए पानी की व्यवस्था की और पानी के बहुत सारे कुंड बनाए। उन कुंडों की वजह से इस गांव का नाम कुंडोई पड़ गया। बदलते समय के साथ वो कुंडोई कनोई बन गया। जहां कुंडोई पानी की प्रचुरता का प्रतीक था, वहीं आज कनोई पानी की कमी का सूचक बनकर रह गया है। कनोई वो गांव है जहां पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा या विधानसभा चुनाव चाहे कोई से हो, लेकिन यहां का मुद्दा एकमात्र पानी ही रहता है। गांव में जो भी प्रत्याशी आए, सिर्फ वो महिलाओं से इतना बोल दे कि हम आपके गांव में कान पानी की व्यवस्था करेंगे, फिर बस क्या, वोट उनको ही दे दिया जाता है। बस इतनी सी कहानी है जो दशकों से चली आ रही है। ढोरों के टिलों के बीच की बसावटों में बुनियादी सुविधाएं तो नहीं पहुंचती है, लेकिन वोटिंग मशीन जरूर पहुंच जाता है। जानना जरूरी है कि इनकी जिंदगी कैसे चलती है, क्या पानी की ही समस्या है या रोटी कपड़ा मकान सब रुलाता है इनको, क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे, क्या तो क्या रोज जाके इतने दूर से पानी लाना पड़ता है? हाँ, रोज जाए, कोई तो बेरी हिलाता छींच के डोलर से। अच्छा। कोई तो टंकी मंगवाता है, कह रहे घर में पोस हुए के नी हुए तो बस कहाँ से कौन लाता है, इसलिए पानी रीति बोल सकते मीठा पानी नहीं है और गौशाल नहीं है तो मीठा पानी मतलब पीने का पानी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है पीने का। गौशाल है तो उसके लिए घास नहीं है। और अच्छा, हम लोग सुनते हैं कि सरकार गौशाला के लिए अलग से पैसा देती है, चारा के लिए पैसा देती है। बिल्कुल समस्या नहीं है। गाय है जिससे कि घर में 10 है, वो आप यहाँ पास में देखो, किसी की 3 मरी हुई, किसी की 4 मरी, खुद का खाना खाने के लिए नहीं है तो गाय की कैसे लेके आएंगे। कोई इसमें अभी आते अबली की बात कर लेंगे समस्या चारे। एक गाय मर जाए तो मॉब लिंचिंग जैसी घटना शहर में हो जाती है, गाँव में गाय मरे कोई पूछने वाला नहीं है। और क्या समस्या है अम्मा? सब समझ जाए ना, क्या करो वहाँ का, गाय भूख मरती है, गाय को नहीं चारो नहीं सुअर खोले नहीं, गाय को दी बिल्कुल नहीं। अगर कोई मुझसे पूछे कि गांव में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैं इसका उत्तर पानी की समस्या कतई नहीं दूंगा, क्योंकि पानी की समस्या से भी एक बड़ी विकराल समस्या है जो अपने पैर पसार चुकी है, वो है शराब की समस्या। मुझे नहीं लगता कि कोई महिला मेरी इस बात से असहमत होगी। फिर भी गांव की महिलाओं से एक बात पूछा जाना चाहिए कि वो शराब की समस्या से परेशान है या नहीं। ये सवाल उस पत्नी से पूछा जाना चाहिए जिसका पति पूरे महीने की तनख्वाह केवल शराब पीने में उड़ा देता है। ये सवाल उस माँ से पूछा जाना चाहिए जिसका बेटा आधी आधी रात तक घर नहीं लौटता और जब उसे पता चलता है कि वह कहीं शराबियों की महफिल में गिरा पड़ा है। ये सवाल उस पिता से पूछा जाना चाहिए जिसके बेटे पर परिवार की जिम्मेदारी है और वो शराबी बन गया। ये सवाल उस बेटे से पूछा जाना चाहिए जिसकी आंखें हर शाम अपने पापा के इंतजार में पलके बिछाई होती है कि पापा हमारे लिए कुछ लेके आएंगे, जब वो अपने पापा के लड़खड़ाते पैरों के साथ बेवड़ी की हालत में देखता है तो उससे एक बार पूछ कर देखो कि शराब की समस्या है या नहीं, पता चल जाए। शराब की समस्या का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी 2 महीने पहले ही श्री तेजाराम जी सुथार, जो कि एक अध्यापक है, उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके खास करके युवा वर्ग से शराब छोड़ने और इससे दूर रहने की नसीहत दी थी। आज छोटे छोटे बच्चों को देखो, गुटखा सिगरेट उनके लिए एक आम बात हो गई है। शायद इन सबके जिम्मेदार हम लोग ही है। सब कुछ प्रत्यक्ष देखते हुए भी हम पास से यह कहकर गुजर जाते हैं कि आजकल ये सब नॉर्मल है। हमारी चुप्पियां बढ़ती जा रही है उन सारी जगहों पर जहां बोलना जरूरी था। क्यों ना इस बार पानी की समस्या के साथ नशे की समस्या को भी चुनावी मुद्दा बनाया जाए। मुझे एक छोटा सा किस्सा एक और याद आ रहा है कि 2020 में डीएम साहब की अध्यक्षता में गाँव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जहाँ पर हर कोई अपनी व्यक्तिगत समस्याएं बता रहा था। फिर थोड़ी ही देर में रघुनाथ जी सुथार खड़े हुए और उन्होंने एक ऐसी बात बोली कि सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उन्होंने कहा था कि हमारे गांव में एक ऐसी कला है जो लुप्त होने की कगार पर है, इसको बचाने के लिए सरकारी प्रयास किए जाने चाहिए, इस कला को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। वो कला है पलाण बनाने की कला। ऐसा नहीं है कि पलाण और जगह बनते ही नहीं, बनते हैं, लेकिन जो कनोई के कारीगर बनाते हैं
वे अपने आप में अनूठे, असाधारण और असामान्य होते हैं। रघुनाथ जी सुथार ने कनोई के पलाण के ऊपर रिसर्च करके पलाण नाम से बुक लिखी। वाकई में उस बुक को पढ़ा जाना चाहिए। और उस रात्रि चौपाल में डीएम साहब ने कहा कि इस कला को बचाने और उसे प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था। शायद वो आश्वासन उस रात्रि चौपाल में इकट्ठी की गई एप्लीकेशन में कहीं दबके रह गया। कला को पहचान मिलने से उस पूरे जोन को विशिष्ट पहचान मिलती है, तो फिर क्यों ना इस बार ऐसे मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाया जाए। बात जब कला की निकली है तो उस मंगनियार समाज को कैसे भुलाया जा सकता है, जो आज भी इस वैश्वीकरण के दौर में जहां हर कोई अपना परंपरागत पैसा छोड़कर जा रहा है, वहां ये मंगनियार समाज अपनी कला को, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को जीविका का साधन बनाए हुए है। तो क्यों ना इनके हितों की बात की जाए। कुछ टाइम पहले पटवारी साहब ने इनके मकान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण यह कहकर जुर्माना भरने का नोटिस दिया था, और उस नोटिस की गूंज राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दी। उस दिन की ये नेशनल न्यूज थी। इसे लोकतंत्र की खूबसूरती कहो या फिर इनके सुर और वादन की छाप कहो कि भारत के टॉप मैगजीन में गिने जाने वाली इंडिया टुडे ने मंगनियार समाज के हितों के संरक्षण के लिए लोक कलाकारों पर सरकारी सितम नाम से एक आर्टिकल छापा। मंगनियार समाज की समस्याओं के ऊपर भी बात की जानी चाहिए। मुझे बाबा साहब की एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि समाज में अनपढ़ लोग हैं, यह हमारे समाज की समस्या नहीं है। लेकिन जब हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का साथ देते हैं, चालाकी से गलत बातों को सही दिखाने के लिए अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। अपने गाँव में भी ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल सिर्फ बत्तियां बुझा के अंधेरा दिखाने के लिए करते हैं। ऐसे लोगों से नए दीप जलाने की उम्मीद तो कतई नहीं की जा सकती। पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को अपने चरित्र की विकलांगता का एहसास क्यों नहीं होता। इन्हें कौन समझाए कि लालच की जिंदगी से सुकून की मौत बेहतर होती है। और अब अंत में मैं यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र से ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं है, जहां मतदान के अधिकार के बल पर हम एक बूंद खून बहाए बगैर सरकार बदल देते हैं, और मतदान का अधिकार सभी को एक धरातल पर लाकर खड़ा करता है। सबको सिर्फ एक वोट देने का हक है, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। मतदान का अधिकार अपने आप में समानता का प्रतीक है। तो फिर क्यों ना इस बार सोच समझकर, विचार करके और बिना जातिगत समीकरणों की चिंता किए किसी योग्य प्रत्याशी को वोट करके मतदान के अधिकार को हम सम्मान और गरिमा का प्रतीक बनाए। धन्यवाद।